मुजफ्फरपुर में SBI बैंक से दिन दहाड़े 7 लाख रुपए की लूट। मुजफ्फरपुर शहर से यह बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां SBI बैंक से अपराध कर्मियों ने 7 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। यह घटना शहर के सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा ब्रांच की बताई जा रही। खबर मिली है कि हथियार से लैस अपराध कर्मियों ने SBI बैंक के शाखा में घुसकर दिन दहाड़े 7 लाख रुपए लूट ली। बैंक प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट की भी घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर SSP मनोज कुमार, CT SP नीरज कुमार और DSP राम नरेश पासवान समेत कई पुलिस पदाधिकारी पहुंचे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। SSP मनोज कुमार ने मीडिया से कहा है कि घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई हैं। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर तहकीकात कर रही है। बताया जा रहा है कि अपराधी 7 की संख्या में। जमशेदपुर की महिला ने 2 बच्चों के साथ लगाई खरकई नदी में छलांग। पूर्वी सिंह भूमि के जिला मुख्यालय जमशेदपुर से यह खबर है। यहां एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ शुक्रवार को दिन में करीब 12:30 बजे खरकई नदी में छलांग लगा दी। आदित्यपुर थाना के खरकई पुल से कूदने वाली महिला का नाम सुनीता देवी बताया गया है। वह बागबेड़ा की रहने वाली है। सुनीता का 3 साल का बच्चा पानी की तेज धारा में बह गया। 4 वर्षीय दूसरे बच्चे और महिला को नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरों ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद की वजह से महिला ने यह कदम उठाया है। पुलिस का बताना है कि महिला से पूछताछ के बाद ही इस विषय में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। रांची के बुढ़मू में वज्रपात से 2 महिला और 1 बच्ची घायल। झारखंड की राजधानी रांची के बुढ़मू में वज्रपात से एक ही परिवार की 2 महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। गुरुवार की देर रात बुढ़मू थाना क्षेत्र के जोरू टांड गांव में मंधनिया टांड नायक टोली में रहने वाले शिवदास नायक के घर पर अचानक वज्रपात गिरा। इस घटना में घायल 3 लोगों को स्थानीय लोगों ने पास के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां 3 का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर वापस भेज दिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी चेतावनी। कोस्टल एरिया से आतंकियों ने किया हमला तो कर दिए जाएंगे ढेर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि पड़ोसी देश के आतंकवादियों द्वारा भारत के समुद्री रास्तों और तटों का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम तटीय और समुद्री रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने केरल के कोल्लम में माता अमृत नंदमयी देवी के 66वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत उन्हें चैन से रहने नहीं देगा जो उसे परेशान करेंगे। रक्षा मंत्री पुलवामा हमले के बाद वायुसेना द्वारा बालाकोट में आतंकवादियों को निशाना बनाए गए हमले का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देश के आतंकवादी हमारे तटों पर बड़े हमले कर सकते हैं, जो कि कच्छ से केरल तक फैला है। एक रक्षा मंत्री के तौर पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे देश की समुद्री रक्षा पूरी तरीके से मजबूत है। श्री सिंह ने कहा कि हम पूरी तरीके से तटीय और समुद्री रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में किसानों के बीच बांटा गया मक्के की बीज। गायघाट के दरभंगा मुजफ्फरपुर NH स्थित बेनीबाद खेतीबाड़ी केंद्र पर गायघाट प्रखंड के केटसा, बरुवारी, सिवदाहा, 63 आदि पंचायतों के सैकड़ों किसानों के बीच शुक्रवार को मक्के के बीज का वितरण किया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित किसानों को प्रखंड कृषि समन्वयक मोहम्मद अनवारुल ने बीज भेंट किया। रजिस्टर्ड किसानों को मक्के का बीज सौंपा गया। किसान अपने समय से खेतों में बीज का वितरण सुनिश्चित करेंगे, यह हिदायत सबको दी गई। किसान सलाहकार श्याम किशोर ने कहा कि 4 किलो का बैग एक रजिस्ट्रेशन पर 1 किसानों को दिया गया। जयशंकर ने पाक पर साधा निशाना, कहा दक्षिण एशिया में सहयोग के लिए पूर्व शर्त है आतंकवाद का खात्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण एशिया में फलदायी सहयोग के लिए सभी प्रकार के आतंकवाद को खत्म करना पूर्व शर्त है। उन्होंने कहा कि दक्षिण की प्रासंगिकता आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम से ही तय होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर दक्षिण के मंत्रियों की परिषद की अनौपचारिक बैठक में जयशंकर बोल रहे। उन्होंने कहा कि केवल गंवा दिए मौकों को ही नहीं बल्कि जानबूझकर पैदा बाधाओं की कहानी है
आतंकवाद भी उन्हीं में से एक है। उन्होंने कहा कि फलदायी सहयोग से ही नहीं हमारे क्षेत्र के अस्तित्व के लिए भी हर प्रकार के आतंकवाद का खात्मा पूर्व शर्त है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के भारत के फैसले के विरोध में दक्षिण के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में जयशंकर के उद्घाटन संबोधन का बहिष्कार किया। भारत का रुख है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला उसका आंतरिक मामला है। सिक्सर किंग युवराज सिंह का बयान, अगर टीम प्रबंधन का साथ मिलता तो 2019 विश्व कप खेल सकता। पूर्व भारतीय बल्लेबाज और सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह ने दावा किया है कि अंतरराष्ट्रीय कैरियर के अंतिम पड़ाव में टीम प्रबंधन ने उन्हें निराश कर दिया। संन्यास लेने के बाद पहली बार युवराज सिंह एक टीवी चैनल में साक्षात्कार दे रहे थे। अपने कैरियर को लेकर चुप्पी तोड़ी उन्होंने कहा कि मुझे दुख होता है कि 2011 के बाद मैं एक और विश्व कप नहीं खेल सका। टीम प्रबंधन और इससे जुड़े लोगों से मुझे मुश्किल से ही कोई सहयोग मिला। अगर उस तरह का समर्थन मुझे मिलता तो शायद मैं एक और विश्व कप खेल सकता। मुजफ्फरपुर के गायघाट में बोझा के मछली व्यवसायी से बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए लूटे, जांच में जुटी है पुलिस। खबर मिल रही है कि गायघाट थाना के मैठी संजीव जुबली पेट्रोल पंप के समीप बेखौफ बदमाशों ने बाइक सवार मछली व्यवसायी को रोककर मारपीट शुरू कर दी तथा 2.5 लाख रुपए नकदी लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश भाग गए। बोझा थाना के सरफुद्दीनपुर निवासी स्वर्गीय गुलाम रसूल के पुत्र मोहम्मद इरफान ने बताया कि मुजफ्फरपुर बाजार समिति के एक व्यापारी से 2.5 लाख रुपए लेकर बुलेट बाइक से मैठी गांव स्थित एक्सिस बैंक में जमा करने वे आ रहे थे, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची है तथा इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के अधिकारी ने बताया है कि इस मामले में कई अहम सुराग मिले, जल्द ही अपराधियों को बेनकाब कर लिया जाएगा। घटना से आक्रोशित लोगों ने यहां पर फोर लेन पर सड़क को भी जाम कर दिया तथा लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का आरोप था घटना की सूचना देने के बाद ही पुलिस के पदाधिकारी मौके पर पहुंचने में देर कर दी। थानाध्यक्ष राजेंद्र साह का बताना है कि जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी कर सघन वाहन चेकिंग का अभियान भी चलाया जा रहा है। अपराधी जल्दी ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे। बांद्रा में नदी बांध रोड पर कार एवं ऑटो में हुई टक्कर, कई सवार हुए जख्मी, पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त। बताया जा रहा है कि बूढ़ी गंडक नदी के बांध पर कार और टेम्पो की आमने सामने की टक्कर हो गई। टेम्पो पर कई लोग सवार थे जो घटना में जख्मी हो गए। घटना पीरापुर बांध ढलान के निकट की है। सभी जख्मियों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पीर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा दुर्घटना में शामिल टेम्पो एवं कार को जब्त कर लिया है। जानकारी मिल रही है कि टेम्पो सवार हाथा उपी क्षेत्र के टेपरी से पिलखी की तरफ जा रहे थे, जिसे विपरीत दिशा से आ रही कार ने असंतुलित होकर ठोकर मार दी। मुजफ्फरपुर की कर्जा में सड़क दुर्घटना के मृतक आश्रितों को पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने दी आर्थिक मदद। बीते सोमवार को कर्जा में एक सड़क दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना में मृतक सेरुकाही गांव के अनूप कुमार के परिजनों से शुक्रवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय कुमार के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। अपनी ओर से श्राद्ध कर्म के लिए उन्होंने 5,000 रुपए का नकद सहयोग भी पीड़ित के परिजनों को दिया। इस मौके पर श्री कुमार ने दुर्घटना में घायल नीतीश कुमार से भी मिलकर हाल खबर लिया। मौके पर पारिवारिक लाभ योजना के तहत प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा 20,000 रुपए का अनुग्रह राशि का चेक पंचायत समिति सदस्य संघ के अध्यक्ष दिनकर सिंह एवं शाहपुर के पूर्व मुखिया मृत्युंजय कुमार ने मृतक की विधवा को दिया। मृतक के परिजनों से मिलने वाले प्रमुख लोगों में कांटी नगर पंचायत के अध्यक्ष वीरेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता रवि, पूर्व सरपंच नीरज मिश्रा समेत कई लोग शामिल थे।